Hey guys, good afternoon. Welcome back to the channel. कैसे आप सब लोग? आज एक फ्राइडे, सो वीकेंड शुरू हो गया. तो फ्राइडे है तो हैप्पी वीकेंड. और अभी टाइम हो रहा है 12:30 PM. मैं थोड़ा लेट ही आज ब्लॉग शुरू कर रही हूँ. सुबह से थोड़ा कुछ काम था, ब्रेकफास्ट किया, मेड आई, उससे काम करवाया, इन सब में थोड़ा लेट हो गया. अभी मैं किचन में आ गई हूँ. कुछ औसम सा आज मैं लंच बनाने वाली हूँ. आप लोग को मैंने बोला है कि नहीं पता नहीं, बट काफ़ी टाइम से मैं लंच में सिर्फ सैलड ले रही हूँ. बट आज मुझे मन हुआ कि लंच पे कुछ सैलड नहीं, नॉर्मल फूड लूँ. तो मैं कुछ वेज सब कुछ बनाने वाली हूँ. बहुत एलैबोरेट प्रोसेस में नहीं, बहुत सिंपल तरीके से, ताकि ईजीली बन जाए. और मैंने हेयर पे ऑयल भी लगा दिया है. नहाना भी है, बट थोड़ा सा पहले कुकिंग कर लूँगी, उसके बाद नहाऊँगी, देन पूजा करूँगी. क्योंकि आज सुबह से मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि मैं नहा के पूजा पहले करूँ. तो ये अभी से वीडियो शुरू किया है. आज फुल डे का व्लॉग बनेगा. देखते रहे इस वीडियो को एंड तक. आशा करता हूँ आप लोग को ज़रूर अच्छा लगेगा. मैं दिखाऊँगी कि मैं जब घर पर अकेली रहती हूँ तब मैं क्या करती हूँ. क्योंकि अभी हितेश का ऑफिस फुल शुरू हो गया है. एवरीडे ऑफिस जाना पड़ता है. तो मैं अगेन घर पे अकेली रह रही हूँ. अकेली जब रहती हूँ तो घर पे मुझे व्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है थोड़ा टाइम पास हो जाता है. मैं ऐसे बकबक कर सकती हूँ ऐसे पूरा टाइम, इसलिए मैं करती हूँ. एंड हाँ, आज दिखाती हूँ कि आज फुल डे मैं अभी से शुरू कर रही हूँ. फुल डे मैं क्या क्या करने वाली हूँ, क्या क्या करती हूँ जनरली मैं जब घर पर अकेली रहती हूँ. सबसे पहले आप देख सकते हैं बास्केट में कल रात के सब बर्तन पड़े जो अभी तक मैंने सेट करके जगह पे नहीं रखे. तो सबसे पहले वो करूँगी. और बाहर आप लोगों को इतना लाइट में भी पता ना चले, बट हाँ, बाहर सब बर्तन पड़े ब्रेकफास्ट के, वो सब भी क्लीन करना है. सबसे पहले मैं ये काम सब्जी. आलू का सब्जी नहीं बोलूंगी, दम आलू बोलूंगी. एक्चुअली ये मम्मी बहुत औसम बनाती है. स्पेशली विंटर में ऐसे छोटे छोटे न्यू बेबी पोटैटोज होते हैं ना, उसके साथ थोड़ा ड्राई ड्राई मसालेदार, थोड़ा सा तीखा वाला, और ऐसा टाइप का एक आलू का दम आलू मम्मी बनाती है. वो इतना टेस्टी होता है. और साथ में पराठा हो, या जनरली हम लोग पूरी के साथ खाते हैं, जिसको बंगाली में पूरी को लूची बोलते हैं, जो मैदे का होता है. तो ऑफकोर्स इतना ऑयली मैं नहीं खाऊंगी, जबकि इतने टाइम से मैं सैलड खा के बिता रही हूँ. अभी मैं इतना ऑयली तो नहीं खाऊंगी, सिंपल पराठे खाऊंगी, बट नॉट रोटी. थोड़ा मन हो रहा है आटे का सिंपल पराठे, जैसे मम्मी बनाती है बिल्कुल वैसे पराठे बनाऊंगी. तो स्विगी से ढेर सारा सामान मंगवाया है, ऑर्डर किया है. मेनली सब वेजिटेबल्स एंड ऑल ही है. तो आलू भी ऑर्डर किया है, तो वो एक बार आ जाए, देन मैं कुकिंग कर लूँगी. क्योंकि आलू को सबसे पहले थोड़ा बॉईल कर लेना है, उसके बाद मसाले में पकाना है. जब तक वो आ रहा है तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ एंड थोड़ा सा कुकिंग का चॉपिंग एंड ऑल कर लेती हूँ. I'm
किया सब वेजिटेबल्स तो सब आ गया है। स्विगी इंस्टामार्ट से ऑर्डर किया और स्विगी का सामान इतना फ्रेश और अच्छे क्वालिटी का आता है ना, स्पेशली वेजीज फ्रूट्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले बीबी डेली बिग बास्केट से मंगवाती थी, एकदम घटिया आता था, अभी चेंज किया है। जितने न्यू न्यू सब आ रहे हैं ना, वो लोग स्टार्टिंग में बहुत अच्छे देते हैं तो हम लोग उसका फायदा उठाए। ब्लिंकिट भी बहुत अच्छा होता है। एनीवेज अभी सबसे पहले कुकिंग के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं निकाल लेती हूँ, बाकी सब अलग से बाद में सेपरेट करके अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखूंगी। काफी देर बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो गया। आलू बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया था, आलू भी बॉईल हो गया। थोड़ा सा सॉल्ट डाल के मैंने आलू को बॉईल किया ताकि आलू के अंदर थोड़ा सॉल्ट का जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वो जाए। और सब प्रिपरेशन कर लिया। मम्मी का फोन आया था तो मम्मी से बात करी थी और मम्मी से रेसिपी भी अच्छे से पूछ लिया। अभी मैं कॉन्फिडेंटली बना सकती हूँ ये वाला रेसिपी। तो चलिए दम आलू मस्टर्ड ऑयल में बनता है। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल को ऑलरेडी कढ़ाई में डाल दिया है और थोड़ा सा अच्छे से गर्म करके इसका धुआं निकाल दिया है तो ताकि कोई स्मेल ना हो। अभी मैं इसमें गरम मसाला, होल गरम मसाला डालूंगी, 2 इलायची 2 लौंग और थोड़ा सा दालचीनी। ये एक बार क्रैकल हो जाए देन इसमें मैं फाइनली चॉप किया हुआ अनियन को ऐड कर दूंगी। अनियन को ऐड कर रही हूँ। देखिए प्याज थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो गया है। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली का मैंने एक पेस्ट बनाया, पेस्ट मतलब ऐसे कूट लिया है दरदरा करके, वो ऐड कर दूंगी। अभी इसमें सारे ड्राई स्पाइसेस मैं ऐड कर दूंगी। सबसे पहले सॉल्ट, ऑफ कोर्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर अपने तीखा के अनुसार, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून और अच्छे से मिक्स। अभी लो फ्लेम में थोड़ी देर ऐसे ही इसको कुक करने देना है। इस टाइम पे मैं थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स ऐड करूँगी, ये मम्मी का स्पेशल तड़का आप बोल सकते हैं। तो इससे बोला है कि बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है, तो ये मसाले के साथ साथ कोरिएंडर लीव्स भी फ्राई होगा, एंड में भी हम लोग थोड़ा कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। मसाले अच्छे से फ्राई हो गए। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी टोमेटो, 2 मीडियम साइज़ का टोमेटो मैंने यहाँ पर फाइनली चॉप कर लिया है। अभी टोमेटो जब तक अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसको ऐसे ही भूनना है। मसाला अच्छे से भून गया है और अभी मैं इसमें आलूओं को ऐड कर दूंगी और अच्छे से मसाले में ये कोट कर दूंगी आलू को। और थोड़ा सा मैं गर्म पानी ऐड करूंगी। आप लोगों को अगर ड्राई खाना है ना पूरी वगैरह के साथ तो आप इतना तक ही कर सकते, इतना तक मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, घी और गरम मसाला ऐड कर देना, बस हो जाएगा। थोड़ा गरम मसाला, फ्लेवर जो है वो बैलेंस नहीं होगा, थोड़ा घी और एंड में थोड़ा कोरिएंडर लीव्स। दैट्स इट, 5 मिनट्स में मैं गैस बंद कर दूंगी। तो यहाँ पे बन गया बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी वाला दम आलू। और मैं सोचूं पराठे बना के ही नहाने जाती हूँ। Dancing by the lakeside, trying to do it while we're young. In a
नान पराठे बन गए, आलू दम आलू बन गया है, देन मैंने थोड़ा सैलड भी बना लिया। अभी थोड़ी देर मैं बैठूंगी क्योंकि एकदम गर्मी और पसीना हो गया है, तो थोड़ा बैठ के देन ही मैं नहाने जाऊंगी। सो मैं नहा के आ गई, हेयर वॉश कर लिया, भगवान का पूजा दे दिया, अभी खाना लंच लेके आई हूँ। बहुत भूख लगी और बहुत लेट हो गया, ऑलमोस्ट 3 PM हो गया है और मेरा लंच में दिखा था। आज ना मन नहीं हो रहा है वहाँ पे बैठ के खाने का, तो मैं बेडरूम में बैठ के आराम से, कोजी कोजी फील होता है ना, तो बेडरूम में बैठ के आराम से थोड़ा आईपैड में वीडियो देखते देखते खाने का मन हो। तो ये रहा मेरा आज का लंच, पराठे दम आलू और यहाँ पे है सैलड। कैसे वेज ही था इसलिए, और रोटी पराठा ही था, राइस तो था नहीं, और मैं खाना हो गया था तो मैं ऐसे लेट गई, लेटे लेटे वीडियोस देखे जा रही थी, कुछ फनी वीडियोस। कहाँ से टाइम पास हो गया, कहाँ से 4:30 5 हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। तो उठ के फटाफट आई, किचन विचन सब साफ किया, जो भी वेजिटेबल्स आया था सब कुछ फ्रिज में अरेंज करके ऑर्गेनाइज करके रखा। अभी बस इवनिंग हो गया है, और पता है यहाँ पे क्या होता है, एकदम अर्ली मॉर्निंग ठंडी तो होती ही है, लाइक जैकेट और घर पे ही पहनने का ज़रूरत होता है, बट ऐसा कुछ 9-10 बजे के बाद से ना धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता है, तो 3-3:30 बजे तक आराम से गर्म काफ़ी रहता है, 4 बजे तक भी बोल सकते, बट उसके बाद जब सन एकदम मतलब थोड़ा सा नीचे आ जाता है ना लाइक वेस्ट पे, तब ना धीरे धीरे ठंडी बढ़ती। अभी जैसे मुझे बहुत ठंडी ठंडी लग रही, रोज का यहाँ पे सेम सिचुएशन चल रहा है। ठीक से इस बार ड्राई करके स्ट्रेट किया, तो मैं पीछे से दिखाती हूँ कि कैसा दिख रहा है, आप बताना कैसा लग रहा है, स्ट्रेट हुआ है कि नहीं, कितना अच्छे से। तो ये डायसन के ऊपर मैं एक सीरीज बना रही हूँ, इसपे मैं डिटेल वीडियो काफ़ी सारे बना रही हूँ, एक दो अपलोड भी कर चुकी हूँ, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डायसन रिव्यू बोल के एक प्लेलिस्ट रहेगा, उसमें डायसन रिलेटेड सारे वीडियोस रहेगा, तो आप लोग चाहे तो वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो बताना मेरा स्ट्रेट हेयर कैसा लगा आप लोगों को, घर पे बैठे बिना कोई मेहनत के, बिना बाहर जाके एकदम हर एक बार 1000 रुपए खर्चा करके एंड बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल यूज किए बिना घर पे कभी भी कहीं पे भी आप अपने हेयर को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मतलब स्टाइल कर सकते। ये तो बस स्ट्रेटनिंग का स्मूदनिंग का स्टाइलिंग है मेन, सबसे बेस्ट तो मुझे कर्लिंग लगता है, तो कभी मैं वो भी आप लोगों को डिटेल वीडियो में दिखाऊंगी। तो अभी बस आराम करती हूँ और हितेश के आने का इंतज़ार करती हूँ। फ्राइडे है, अभी तो खुशी होती है क्योंकि पहले जैसा लगता है ना, रोज़ हस्बैंड ऑफिस जाए तो मतलब ऐसा लगता है ओके कब वीकेंड आएगा, कब वीकेंड आएगा, तो बिल्कुल वैसा लग रहा है। तो वीकेंड फ्राइडे इवनिंग से नाइट से अच्छे से हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, किधर ना किधर बाहर जाते हैं। तो गाइस गुड इवनिंग, सो मैं आप लोगों
लोगों से काफी देर बाद मिल रही हूँ, इवनिंग के बाद सीधा अभी 9:30 बज रहे, अभी मिल रहे हो, अभी देख सकते हैं मैं रेडी हो गई। जैसा कि मैंने सुबह बोला था कि शायद सर आज जबकि फ्राइडे है तो हम लोग किधर डिनर पे जा सकते हैं, तो हम लोग डिनर के लिए निकल रहे हैं, बट आज फ्राइडे सब जगह फुल होता है जनरली, और हम लोगों ने बुकिंग करना भूल गए और हम दोनों को भूख लगी है, तो लेट सी के हमको जगह मिल जाए। वैसे हम लोगों ने लेट का बुकिंग लिया है बट होपफुली हमको जल्दी सीट मिल जाए, तो अभी और मैं नहीं बात करूँगी, सीधा हम लोग निकलते हैं। Starting from scratch, brick by brick. No path carved out. तो का डिनर हो गया है और फोटोज लेने का इतना शौक कि मैं ऊपर के फ्लोर पे आके अच्छे से, ऊपर का फ्लोर भी न्यू ओपन हुआ है, अच्छे से डेकोरेशन है, लाइट्स एंड ऑल के साथ, तो वहां मैंने फोटोज ले लिया। फोटोज के लिए डेफिनेटली चेक करना इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट। हम लोग घर पे आ गए डिनर के बाद ना, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा तक हम लोग ड्राइव किया, बहुत मजा आया, और बाहर सुपर ठंडा है, लाइक अभी 16 डिग्री हो गया है, इतना ठंडा लगा ना, मेरा थोड़ा सर दर्द हो गया ठंडी के मारे। और वहां पे हम लोगों ने देखा सब लोग जैकेट स्वेटर पहन के आए, हम लोग ही ऐसे ही चले गए, पता ही नहीं था कि इतना ठंडा है बाहर। तो एनीवेज आज का फुल डे व्लॉग मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, बहुत टाइम बाद एक्चुअली फुल डे व्लॉग शेयर किया। आई रियली होप कि आप लोग आज का वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना, एंड अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो गाइज मैं आप लोगों से मिलता हूँ मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।